लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। से एक लड़की मुझे बाहर निकालेगी और उस लड़की को मैं ही यहां तक लाऊंगा। सुनिए, वो पत्थर का बंगला कहाँ है? इसने ऐसे क्यों देखा? इस गांव में कोई भी उस बंगले की ओर जाने का रास्ता क्यों नहीं बता रहा? ऐसा क्यों है? इससे पूछूं कि नहीं? यहां से आधा किलोमीटर सीधा जाओ, एक चाय की दुकान आएगी, वहां से दाहिनी तरफ दिखेगा शमशान घाट, उसी के पास है पत्थर का बंगला। अब पूछने पर तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन इसने बिना पूछे ही बता दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। करीब 20 साल पहले ये बंगला बंद हुआ था। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? ये भी गया ऊपर। ओके सर, ओके। अरे बहुत मस्त है सर। हाँ, आपका नाम बताकर डेट्स देने के लिए बोलता हूँ सर। ओके। मेरा क्या दिमाग खराब है? इनके पास पैसे भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को डायरेक्ट शाहरुख खान की ही डेट्स चाहिए। कट। क्या बीसी, ओके है ना? हाँ ओके है सर। हाँ, क्रेन नीचे करो। बैकअप। ये प्रोडक्शन मैनेजर कहाँ है? कार के सामने है सर। ए, तुम जनरेटर बंद करो। ए बाला,
हाँ सर, कल की लोकेशन कंफर्म है ना? वो थोड़ी मुश्किल है सर, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। क्या कोशिश करेगा, डेट्स वेस्ट करेगा सर? वो बात यह है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, एक घंटे में लोकेशन फाइनल चाहिए, चलता हूँ। चिंता मत करिए सर, लोकेशन की फोटो लेकर आपके घर पर आता हूँ मैं। नहीं पता क्या? छोड़िए ना। मत रुको ना, आज तो जाइए ना, आज मेरा उपवास है। तुम्हारे उपवास ने वनवास कर रखा है मेरा। देखो संडे को उपवास मत रखा करो यार। डैडी आ गया मेरा बच्चा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आजकल खा भी कुछ नहीं रही हो तुम, तुम्हारा वजन कितना कम हो गया, खाया करो बेटा। ये क्या पिंकी, चॉकलेट खाने से मना किया है ना, फेंको इसे। नहीं इसे नहीं फेंकूंगी, ये जो चॉकलेट है ना ये मुझे मेरी मिस ने दी है। क्यों बेटा, मिस का बर्थडे था क्या? मैंने ना जो ड्राइंग की है ना मिस को बहुत अच्छी लगी, इसीलिए दी। दिखाओ ना। ये हमारा घर है। वेरी गुड। यहाँ पर आप हो। अच्छा? यहाँ जो खड़ी है वो मैं हूँ। और मैं कहाँ हूँ? अरे मम्मी आप तो पूजा घर में बैठी रहती हो, यहाँ कैसे रहोगी? क्या बात है, दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो। मेरा मतलब बड़ी सुंदर लग रही हो। अगर मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता ना तो माँ कसम तुमको हीरोइन बना देता। क्या डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? वो किचन में है। किचन में? लेकिन किचन में क्या कर रहे हैं? तुम्हारी चिता के लिए लकड़ी जला रहे हैं। मैंने तो सोचा था ये सेट हो रही है, लेकिन इसने मेरे को तो डेडी कर दिया। क्या हाल है मैनेजर? अरे बैठो बैठो, वो लोकेशन के लिए डांटा था, बुरा तो नहीं लगा ना? आदत हो गई है सर। क्या खबर है भाई? टीवी देखेंगे तो पता चल जाएगा। कहने का मतलब है सर कि मैं सारी खबरें टीवी पर ही देखता हूँ। अच्छा। लेकिन रोज की लेटेस्ट खबर ये है सर कि सब लोग रोड पे ट्रैफिक जाम से परेशान है। मैं भी इसी वजह से परेशान रहता हूँ, घर से अच्छा मूड बना के निकलता हूँ, रोड पे पहुँचते ही मूड खराब हो जाता है। अच्छा तुम क्या यहाँ स्टोरी डिस्कस करने आए हो? किस लिए आए हो भाई? नहीं सर वो आपको फोटो दिखाना था ना, ये है लोकेशन। ये ठीक है, इसे कंफर्म करो जल्दी। अरे इतना गंदा लोग क्यों दे रहा है भाई, इसकी परमिशन नहीं मिलेगी क्या? वो सर फोटो देने वाले ने बताया था कि इस घर पर भूत का साया है। हाँ कोई बात नहीं, हम भी तो हॉरर फिल्म बना रहे हैं ना, कंफर्म कर दो। क्या कॉफी वॉफी पिएगा? सर इस टाइम पे कॉफी कहाँ पीता हूँ मैं। मैं तो भूल ही गया था, तेरा तो बोतल खोलने का टाइम हो गया ना, मेरे घर में नहीं मिलेगी, तुम जा सकते हो। तो यही भूत बंगला कंफर्म करो? हाँ यही कंफर्म करो। इस बंगले में सच में भूत है, मरने क्यों जा रहे हो? क्या बात है, नर्वस लग रहे हो, मैं भूत दिखता हूँ तुम्हें? वैसे कभी कभी तो बन ही जाता हूँ। जाओ जाओ जल्दी करो। अब कोई खुद ही मरना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे बस कोई चाय की दुकान पर रोकना। आगे हैं, आगे हैं, आगे हैं, आगे हैं, ठीक है वहाँ रोकना। हाँ रुकवाता हूँ। हाँ बस रुको भाई। चलो भाई चलो पानी पी लो। तुम पास ही आए यू भाई, चलो भाई। पता नहीं लोकेशन और कितनी दूर है। क्या सा नया ब्रांड है? हाँ नया ब्रांड है, इसको मैंने पिछले लोकेशन में बैंकॉक में खरीदा था। वहाँ का लोकल ब्रांड पीता तो बदबू आती। हमारे डायरेक्टर तो मुंह में मुंह मिलाकर बात करते हैं ना, इसको पीने से बाजू वाले को भी बदबू नहीं आएगी। अच्छा है ना, ठीक है तू रख ले इसको सामान। ओके सर। चल क्या राइटर उदास लग रहे हो आज? क्या बताऊं भाई, फिल्म मेकिंग में सबका होता है नाम, लेकिन राइटर रह जाता है गुमनाम। उदासी में भी कविता अच्छी लिख लेते हो, तेरी कविता सुने काफी दिन हो गए। चल सुना, सिगरेट मंगाओ। चाय भी बोल। अरे सुनो चाय लाओ। सिगरेट भी। और सिगरेट भी। नाटक कर रहा है सर। गुड बॉय, ये लीजिए चाय। सुनाओ। एक जगह का बॉस था, उसी पे कविता सुना रहा हूँ। चुप बैठने का मैन। अब आगे सुनो। हरी हरी घास में बॉस खड़ा था, पास से देखा टमाटो सॉस पड़ा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देख भाई, ये बॉस ने घास में टमाटो सॉस डाली, इस टाइप की कविता अपने भेजे में तो नहीं घुसती। अरे कोई आइटम के बारे में सुना, ऐसा टॉप एंगल लूंगा, मस्त मसाला बन जाए। ये आदमी हमेशा आइटम की ही बात करेगा, इसकी बात पर ध्यान मत देना।
ये क्या रे मेकअप, बड़ा फुसफुसा रहा तू आज। अरे तुम्हें क्या पता, इसने जो कविता सुनाई सुपर है। 40 इयर्स से इंडस्ट्री में हूँ, आई डू मेकअप शूटिंग पैकअप, व्हाट यू नो सर। हमेशा आइटम आइटम करते रहते हो, कभी पटाई है क्या? जैसे इस बुड्ढे ने बहुत पटाई है। आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? यहीं पर फिल्म की शूटिंग के लिए। ओहो, आप लोग फिल्म वाले हैं, यहाँ कहाँ शूटिंग करेंगे सर? इस जगह से सीधा जाएंगे तो एक बंगला आता है, उसी बंगले में शूटिंग है। मतलब पत्थर वाले बंगले में? उस बंगले के बारे में कुछ जानते हैं? अरे हम ये कैसे जानेंगे, क्या वो किसी फिल्म स्टार का बंगला है? क्या बकवास कर रहा है? देना, इस गांव के लोग उसे भूत बंगला कहते हैं। अरे बाप रे, पता है उस बंगले में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, जिसने अंदर जाने की हिम्मत की वो वापस नहीं आया, पता नहीं अंदर क्या हुआ। सुना है वहाँ कोई आत्मा रहती है, बहुत ही खतरनाक। मेरे यहाँ चाय पी रहे हो इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ शूटिंग करने का ख्याल दिल से निकाल दो, नहीं तो भूत से मुलाकात हो जाएगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये क्या बोल रहा है भाई? समझा नहीं क्या, बंगले में भूत है। हेलो, हाँ पहुँच रहे, चलो भाई, मैनेजर बाला बुला रहा है। ये क्या, हम यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं, लेकिन इस आदमी ने तो हमें फिल्म ही दिखा दी। ये लो पैसे लो भाई। सब लोग शांत क्यों हो गए? भूत के बारे में सुनते ही सबकी फट गई क्या? लगता है कि हम शूटिंग की जगह पर नहीं शमशान घाट जा रहे हैं। देखो वो बंगला कैसा दिखता है। वो शमशान घाट ही है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो बस हम लोगों का ही इंतजार कर रहा है। और राइटर, शमशान घाट में जाना जरूरी नहीं है, हम अब भी अपनी जान बचा सकते हैं। चलो यहाँ से, किसी को साथ चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। जाओ जाओ, डायरेक्टर वाट लगा देगा और वहाँ भूत वाट लगा देगा। क्या रे, व्हाई टेंशन, देखो अब मेरी बात सुनो। क्या बात सुने, तुमने कहानी सुनी ना, बंगले में घुसते ही ना मुंह से निकलेगा खून ही खून। अबे डरपोक, तुम खुद डरे हुए और दूसरों को डरा रहे हो। डायरेक्टर को यहाँ के बारे में सब पता था, लगता है उसका दिमाग खराब है जो उसने यहाँ शूटिंग रखी है। उनको क्या, उनका क्या नुकसान है, हम सबको मारने के लिए ही उस बंगले में शूटिंग रखी है। नहीं जी, वो डायरेक्टर का नाम नहीं, फिल्म का नाम है। सब लोग पहुंच गए ना? जी सब लोग आ गए। ये बंगला, गांव वाले कहते हैं कि यहाँ भूत। अरे वो सब बकवास, ये भूत बंगला कब म्युनिसिपैलिटी ऑफिस ज्यादा दिखता है, देखो। अरे भाई सुनो, मैं राइटर हूं। अरे भाई जल्दी से कमरा दिखाओ यार, सब तैयारी करनी है, सारी सुविधाएं। अरे पीछे आप लोग, हां यस सर, क्या करेंगे देख लीजिए, चलो शॉट की तैयारी करें। चलिए शिवा सर। हाय भारत, डायरेक्टर ने बताया कि पहला शॉट आपका ही है, स्विमिंग पूल शॉट का कंटिन्यूएशन है। ओके, सेम कॉस्ट्यूम है जी, सेम कॉस्ट्यूम। ओके ओके, थैंक यू। आप चलिए मैं आकर शॉट समझा देता हूं। थैंक्स यार, बाय बाय। हे, बात सुन, यहाँ कोई नहीं है। हाँ, तुम जाओ, मुझे सोना है। अगर तुम सो गई तो मेरा क्या होगा? चलो हटो। प्लीज 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 प्लीज, एक बार प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं बोला ना, जाओ यहाँ से। नाटक बहुत है तेरे, एक बार सीन हो गया ना उसके बाद दिखाता हूँ तुझे मैं, तब कहाँ जाएगी। अच्छा एक बात सुन, आओ भारत। सर शॉर्ट समझा देता हूँ। हाँ, हाँ बोलो। सर आपको अपनी प्रेमिका पर शक हो गया है। ओके। तो गुस्से में आकर आप उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन उसे मारने के बाद आपको ये एहसास होता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद आपकी मरी हुई प्रेमिका भूत बन जाती है
अब वो आपसे बदला लेने आई है और आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके, यही सिचुएशन। एक्सलेंट एक्सलेंट भारत, करते हैं। ओके ना, स्क्रिप्ट यहाँ पर रख दो। सर शॉट रेडी होते ही मैं आपको बुलाता हूँ। ये स्क्रिप्ट। थैंक यू। सीन रेडी है मैडम। कैमरा रेडी? हाँ रेडी सर। क्रेन अप अप। अरे लॉक ओपन करो। ट्रॉली बैग, अरे अरे ठीक से करो ना। अरे गांव से मालगाड़ी में आया था क्या? मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ प्रिया, मुझे। अरे बुद्धू, डायलॉग ठीक से याद नहीं कर सकते। करता हूँ, करता हूँ ना। डायलॉग याद करने से कुछ नहीं होता, डायलॉग बोलने का सही स्टाइल आना चाहिए। अच्छा। एकदम शाहरुख स्टाइल। चलो रिहर्सल करने दे। प्रिया प्रिया मुझे माफ कर दो। प्रिया प्रिया, डोंट किल मी प्रिया, डोंट किल मी प्रिया, मैंने गलती की है। आई एम सॉरी। कट। ए, ऐसे होती है एक्टिंग? एक्टिंग हाथ हिलाने से नहीं होती है, कहानी दिमाग में रखनी पड़ती है। अरे यहाँ मैटर क्या है कि तुम्हें अपनी प्रेमिका पर शक था इसलिए तुमने उसे मार दिया। बाद में तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता है, अब तुम क्या करोगे? वो भूत बनकर अब तुम्हारा पीछा कर रही है, अब उधर कोई है नहीं, बस फील करना है। समझ गए ना? वो जो डर है तुम्हारे चेहरे पर दिखना चाहिए। हाँ सर। रेडी पीसी? कैमरा रेडी है ना? रेडी है सर। क्रेन अप अप। अरे लॉक ओपन करो। एक्शन। प्रिया डोंट किल मी, प्रिया डोंट किल मी, मैंने गलती की है। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रिया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो प्रिया। कट। क्या हुआ जानू, डायलॉग सही बोला? डायलॉग ही छोड़, उन्होंने तो मेरा बैंड बजा कर रख दिया। क्या हुआ जानू? सबके सामने मेरी क्लास ले ली उन्होंने। जब तक वो सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं करते ना, उनको चैन नहीं मिलता। सच में। मेरी बात सुनो, डिसअपॉइंट क्यों होते हो? तुम्हारी मेहनत का फल वक्त आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा। सच्ची ना? तेरी बात सच होगी ना? मेरी मेहनत का फल मिलेगा ना? मैं हीरो बनूंगा ना? जरूर बनोगे जानू, मुझे विश्वास है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो। जानू आज मेरे लिए कसम खा। क्या जानू? देख मैं तेरे बिना तो जी नहीं सकता हूँ, कसम खा कि तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। खा कसम। तुम ही मेरे प्यार हो। आई लव यू किरण। आई डू लव यू सो मच। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आई लव यू सो मच। मैडम होल्ड इट। अरे इनका चेहरा तो ठीक है, फिर टचअप क्यों करना है भाई? तो बोला वो करो। अच्छा, और इनका चेहरा बालों से जरा अच्छा, ढक देना। ठीक है ठीक है, थोड़ा राइट लेना। हाँ कर दिया। अरे थोड़े आगे भी तो बाल डालो। अच्छा आगे? करीब करीब पूरा चेहरा कवर करना है, समझ गए? अब ठीक है, थोड़ा ऐसे पूरा कवर करो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हीरोइन को तो भूतनी का रोल करना है, तो इसके लिए इतना मेकअप क्यों करवा रहे हैं? ऐसे ही छोड़ दीजिए, ज्यादा मेकअप किया तो खूबसूरत दिखने लगेगी। स्टार्ट साउंड रोलिंग। एक्शन। Nothing. इसको बताने से तो अच्छा है क्वार्टर पी के चुपचाप रहो। फुल लाइट्स। ट्रॉली फॉरवर्ड, सॉरी बैक। अरे ठीक से खींचो, मैंने गलत बोल दिया तो तुम भी गलत करोगे क्या? एक्शन। Thank you.
हीरोइन आ क्यों नहीं रही है? ऑन लाइट्स। ऐसा क्या हो गया जो हीरोइन यहाँ अचानक गिर गई? हाँ, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। ये ड्रैकुला लेडी बन गया क्या? भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ। ये डायरेक्टर फिल्म बना रहा है या फिर और कोई? वो हमको यहाँ फिल्म बनाने के लिए लेके आया है, लेकिन यहाँ पर कोई भूत डायरेक्टर अपनी खुद की फिल्म बना रहा है। तो मतलब ये सब उस भूत ने किया है? वो भूत हमारी तरह अनाउंस करके फिल्म नहीं बनाते, वो डायरेक्ट रिलीज कर देते। मेकअप मेरे को तो लगता है ये भूत का ही काम है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे तुम चुप रहो, मैं इसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ तुम अपनी कहानी सुनाने लगे। ए, हटना रे। देखो मेरा राइटर दिमाग ये कहता है कि इस भूत को हमें अच्छी तरह से समझ। हाँ जोड़ता हूँ तेरा राइटर दिमाग मेरे पास रख। असिस्टेंट मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी लाओ क्या सर? कॉटला लीजिए। अरे ये हल्का कैसे हो गया? सर मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ी सी मार ली। थोड़ा पी लिया, थोड़ा ही बचा है। बचा तो है ये। चलो कुछ रहे हैं। ए पीसी आ राउंड सर। चलो सर चलिए चलिए, नहीं तो भड़क जाएंगे। क्वार्टर का रेट बढ़ने से मुझे टेंशन होनी चाहिए, तू टेंशन में आगे पीछे। क्वार्टर के रेट को गोली मारो, यहाँ मेरा पल्स रेट बढ़ रहा है। अब तो सवाल ये है कि पहले कौन मरेगा? जब मरना पक्का है तो क्या फर्क पड़ता है कौन पहले मरेगा या बाद में? अच्छा सर मुझे एक डाउट है, पूछूं क्या? आखिरी डाउट समझ कर बको। इंसान पैसों के लिए खून करता है, भूत को पैसों की जरूरत नहीं, फिर वो क्यों मारता है? मजे के लिए। यहाँ क्या मीटिंग चल रही? मीटिंग नहीं सर, काउंटिंग। मेरा मतलब अपनी हीरोइन नीचे गिर गई ना सर? गिरी तो हम हिसाब लगा रहे थे कि उसके मुंह से खून निकलने के लिए भूत ने उसे कितना मारा होगा। आप मेरी बात नहीं समझोगे सर, वो भूत हमें अपने आगोश में लेने का वेट कर रही है सर। वैसे आपको क्या लगता है सर? मैं यहाँ एक गड्ढा खोदूं तो कैसा रहेगा? क्यों सर, लो एंगल लेना सर। नहीं उसमें तुझे दफनाना है। फोकस चेक करो सर, फोकस उधर नहीं इधर होता है। लाइट ऑन तो है। ओके टेक टेक टेक। Hey. हाँ, सर सीन लिखा नहीं अभी? लिख दिया सर। ए राइटर तेरी स्क्रिप्ट पढ़ के उसका चेहरा क्यों उतर गया? मैं कितनी मेहनत से सीन लिखता हूँ और ये डायरेक्टर उसे ठीक से पढ़ता तक नहीं। ये डायरेक्टर लोग का एक अलग ही ईगो होता है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। हाँ लेकिन उसका ईगो हम क्यों झेलें? तुम जाकर उनको जाके बोलो ना। छोड़ो ना। मेकअप हो गया? सर जी सर। डायरेक्टर साहब आ गए। सीन ऐसा है कि तुम अपनी प्रेमिका पर शक करते ओके। और गुस्से में आकर उसे मार डालते ओके सर। बाद में तुम्हें एहसास होता है कि वो बेचारी तो निर्दोष थी, अब वो भूत बनकर तुम्हें मारने आ रही है। ओके okay. मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ऐसा तुम्हें डायलॉग बोलना है, यही सीन है। ओके okay? ओके okay. अब मैं डायलॉग बोलता हूं okay, तुम सुनो। वो लड़की वहां पर है। प्रिया मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा बस उसे सच मानकर मैंने तुम पर शक किया। प्रिया मैंने जो किया गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। यही फील okay, समझ गया okay, ना? सर अरे सुन राइटर, तूने कहा तेरी स्क्रिप्ट तो उसने पढ़ी नहीं, फिर उसके डायलॉग सुन के टेंशन क्यों हो गई? उसने वही डायलॉग बोला है जो मैंने लिखा है। तुमने जो लिखा है? हाँ वही जो मैंने लिखा है, मैं समझ नहीं रहा हूँ, उसने सेम टू सेम डायलॉग बोले हैं, ये तो कमाल ही हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, क्या वो इतने काबिल इंसान है? वो बहुत काबिल इंसान है, वो इतने काबिल है कि सब समझते हैं सिर्फ मेरी परेशानी करने। बाइट एंड टेक वन एक्शन। प्रिया मुझे माफ कर दो। प्रिया देखो मैंने जो देखा उसे ही सच मानकर गुस्से में आकर मैंने तुम्हारा इन्हीं हाथों से तुम्हारा मैंने खून कर दिया। ओके लड़की ने एक्टिंग अच्छी की है। ओए मेकअप लड़की को तैयार करो।
जानो जानो। ये यहां पर क्यों खड़ी है? जानो जानो ये क्या जानो इस वक्त समझ में नहीं आता ये कहां से फोन कर रही है? जान अरे जानू तुम कहां हो? मैं तो तुम कहां हो जानू? और कहां होंगी? कमरे में हूं। मुझे लगा कि शूटिंग खत्म होते ही यहां आओगे। तुम कहां हो? जल्दी मेरे पास आओ ना। मैं बंगले के पीछे खड़ा हूं, लेकिन तुम तो थोड़ी देर पहले यहीं पर खड़ी थी ना। मुझे वहां क्या काम है? तुम्हारी शूटिंग खत्म हो गई तो जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं जानू। ओके मैं अभी आता हूं। रेडी क्लैपिंग स्टार्ट साउंड एक्शन। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। सुनो मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं नहा कर आती हूँ। ओके कैरी ऑन। यहां से कैसे आई? क्या हुआ तुमको? तो अभी जो मेरे साथ थी वो कौन थी? मैं तुम्हारे साथ कैसे होती? कैसे समझाऊं? मैं तो तुमको बताकर गई थी कि मैं नहाने जा रही हूँ। प्लीज जोक मत कर, अभी तो तुम मेरे साथ बेड पर थी। अरे तुमको क्या हुआ? कुछ भी उठपटांग बातें कर रहे हो। अब कैसे बताऊं तुझे मैं यहां पर तू क्या हो गया जानू? तुम काफी परेशान लगते हो। थोड़ी देर पहले तू और मैं बिना कपड़े यहाँ पर मैं सच कह रहा हूँ थोड़ी देर पहले कौन सी भाषा में तुम्हें समझाऊं? ठीक है ओके ओके रिलैक्स शांत हो जाओ। आप आ गए? मुझे थोड़ा सा अर्जेंट है, आप इन्हें कंपनी दीजिए, मैं अभी आता हूँ। बस अभी आया। कब तक गेटअप में रहोगी? हाँ जाओ थोड़ा आराम कर लो। नहीं ये कैरेक्टर मेरी जान है, मेरा काम पूरा होने तक शांति नहीं मिलेगी। नहीं ये कैरेक्टर मेरी जान है, मेरा काम पूरा होने तक शांति नहीं मिलेगी। Oh, my God.
क्या था ये आवाज कैसी थी? एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। डायरेक्टर बोले या प्रोड्यूसर या और कोई बोले, मैं अब नहीं रुकूंगा। शूटिंग के बाद में पहले पता तो करते क्या हुआ। होने दो, लेकिन अपने को ये शूटिंग नहीं करनी। सामान छोड़ो और भागो। सुना नहीं हीरोइन ने क्या बोला? भागो रे, सब भागो। उसने क्या बोला सुना? हाँ सुना, तो क्या करें? जब तक उसका कैरेक्टर खत्म नहीं हो जाता उसको शांति नहीं मिलेगी। अगर हम उसका सीन खत्म नहीं करेंगे तो वो दौड़ा दौड़ा के मारेगी हम सबको। हमें उसकी बातों से क्या लेना देना? क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर से मीटिंग कर रहे हो? शॉर्ट डिस्कस कर रहे थे। शॉर्ट तो अंदर लगाया हुआ ना। अभी चलो अंदर, जो भी डिस्कस करना अंदर चल के करेंगे। चलो अभी चलो। मौत से चार फुट दूर, कैसा है मेरा टाइटल? रेडी है सब लोग? जाके देखो लड़की क्या करे। लड़की तुम जाकर देख। नहीं रे बाबा, मैं जाऊंगा तो फोकस कौन देखेगा? राइटर को भेजो सर। अरे मैं कैसे जाऊं? ट्रॉली कौन मूव करेगा? साउंड मैन को भेजो ना। अरे साउंड तू जाएगा देख। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे हाथ में माइक है। नहीं एक काम करते हैं, फोटो वाले को भेजो। तेरा फोटो टांगवा। ए फोटो वाले तू जा। हां जाना, बोला ना जाके देख। फोटो लेने लग गया। जाके देख, वेरी शिक। किसने बुला लिया इसको इधर फालतू? मेरे चेहरे पे नहीं, फील्ड में लाइट करो। क्या कर रहे हो तुम? डर नहीं लगता क्या? प्रिया तुम जरा यहाँ आओ, हटो। एक्टिंग अच्छी थी। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट तुम्हारी समझ से बाहर है। और सुनो, तुम कैमरामैन नहीं हो, कैमरामैन ये है। और ये जो है ना, ये आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट तुम सब हो। वो जो चाय वाले ने तुम्हें भूत बंगले के बारे में बताया था ना, अरे उसी वक्त मैंने इस प्लान के बारे में सोच लिया था। फिर वो धुआं? धुआं बड़ी बात है क्या? और वो दरवाजे का अपने आप खुलना? हाँ वो भी मैंने ही करवाया था। सर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? किया नहीं बे, तुम लोगों से करवाया। उस चाय वाले के डराने से पहले तुम लोग डरे थे? नहीं डरे थे। उसके बोलते ही तुम लोग डरने लगे। मतलब डर ही भूत है, भूत ही डर है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट यही है, समझ गए ना? चलो जाओ आराम करो, पैक अप। ए भगवान, तुम समझ गए? अब तो मेरे को उतार दे। नेचुरल एक्टिंग करती है। अरे मेरी सिल्क स्मिता, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे को मालूम होता दरवाजे पे तू है तो खोलती नहीं। कुछ भी कर ले भाई, ये सेट नहीं होने वाली। शाम को जल्दी आएगा, फिल्म देखने चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैनेजर। क्या खबर लाए हो? उस घर के बारे में कुछ पता लगा? अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला सर। वैसे उस बंगले के बारे में मैंने रजिस्ट्रार से भी बात की है। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। वो सब तो मैं संभाल लूंगा सर। लेकिन क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि वो बंगला मत खरीदिए, वहाँ भूत का साया है। और काफी लोगों का मानना है कि उस बंगले में भूत रहता है सर। क्या है यार मैनेजर, अभी तक भूत की बातें नहीं भूले। यार किसी ने मरना है तो घर पे भी मर सकता है, सड़क पर भी मर सकता है, शमशान में जाके कोई नहीं मरता। हाँ लेकिन सर, उस बंगले को शमशान ही समझ लो, ठीक है ना? आप उस भूत बंगले को खरीदने की जिद क्यों कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। क्या बात कर रही गौरी, आर यू क्रेजी? तुम भी इस बेवकूफ की तरह बातें कर रही, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप सच बोल रहे हैं? सच में गौरी, टेंशन मत लो,
मेरा भरोसा करो, मैं हूँ ना। मम्मी देखो बच्ची बुला रही है, तुम जाओ। हाँ ठीक है। सुन बाला, ये सब भूत आत्मा कुछ नहीं होता है यार। इस दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। जिंदगी में अच्छे कर्म करना ही काफी है। तुम जाकर बंगला कंफर्म करो। ओके ओके सर। इस डायरेक्टर को समझाना बहुत मुश्किल है। ओए कांता, सॉरी कांता भाई, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो नहीं तो कुत्ते घुसाएंगे। कुत्ता तो घुस चुका है। साली है तो काम वाली बाई, लेकिन नखरे देखो इसके, मालकिनों के जैसे है। ये सेट नहीं होने वाली भाई। हेलो, भूत बोल रहा है। भगवान, ये कैसा अपशगुन है? इसको मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। शकुन है मालकिन, वो भी गृह प्रवेश के टाइम पे। मुंह बंद कर अपना। जब कार 70 की स्पीड पे भाग रही है और कौवा उससे टकराएगा तो मरेगा ही ना, इसमें अपशगुन क्या है? ए बाबा चले यहाँ से। ए रंगा भगाई से यहाँ से। ठीक है वाली। भाई गौरी शांत हो जाओ, वो पागल है, ऐसे लोगों को डराता रहता है। लास्ट टाइम जब हम शूटिंग के लिए आए थे ना, तब भी ऐसे ही कर रहा था। तुम टेंशन मत लो। वापस आ गया रंगा, हटाई से Hey!
अजीब घर है ये, इतने सारे कुएं। डाइनिंग हॉल और किचन वहां है। Do you like it? चलो। हाँ, ये हमारा बेडरूम है। बैड लक, आज गुरुवार है। वो वार कब आएगा? अच्छा है ना? आओ चले। घर बहुत अच्छा है। क्या हो गया? झूले की आवाज आ रही थी मालिक। क्यों, झूले की आवाज नहीं आनी चाहिए क्या? अब इतनी आवाज आ रही है तो सोऊं कैसे मालिक? ओहो, तो आप डिस्टर्ब हो गए हैं। उसमें थोड़ा तेल डालो, आवाज नहीं आएगी। जाओ तेल लेके आओ। झूले की आवाज से इसे नींद नहीं आती है, वो ज्यादा ही नाटक करने लगे आजकल। इनको कभी नींद आती है या नहीं? ईश्वर, यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात गए झूला झूल रहे थे क्या? पता है वहाँ सबकी नींद हराम हो रही है, वो भी तुम्हारे कारण। तुमको समझता नहीं क्या? अब अगली बार इधर दिखे ना तो माँ कसम अच्छा नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, बोला ना, निकल यहाँ से। चल मत कर। चला जब देखो दिमाग खराब करता है।
क्या हो गया? इधर देखो, क्या वहां पर? कुछ भी नहीं है वहां पर, मैंने देख लिया, सपना देखा होगा तुमने, कुछ भी नहीं है। चलो सो जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं है गोली, सो जाओ, रो मत, बस सो जाओ। वहां पर कुछ था, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, क्या कर रहे हो रंगा साहब? हैं, ये दरवाजा मुझे बहुत सता रहा है मालिक, कब से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुलता ही नहीं, दिमाग खराब कर दिया। तुझे बिरयानी बहुत पसंद है ना? हैं, बिरयानी ठूस ठूस के दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हटो। ये तुमसे मुझसे नहीं खुलेगा, कारपेंटर को बुला के लाओ। हाँ ठीक है मालिक। हंसा कर यार। हंसी आनी भी तो चाहिए ना, फालतू में हंसने के लिए मैं क्या पागल हूँ। चलो कारपेंटर को ढूंढता हूँ।
क्यों तावीज से बांधा है? इसको यहाँ क्यों रखा है? पिंकी, यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, गुड़िया। गुड़िया? ठीक है, चलो यहाँ से। पिंकी, तुम ऊपर जाकर खेलो, मैं अभी आती हूँ। यहाँ पर किसकी रोने की आवाज हो सकती है? गौरी? अभी आई। I'm tired. क्या हुआ डार्लिंग? इतनी डल क्यों लग रही हो? वो मैं। हाँ? एक चीज दिखाऊं? तुमको हर चीज में डाउट होता है ना? ये लो देखो। ये कैसे पेपर्स हैं? हमारे घर के पेपर्स हैं। क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से इस घर में आए हैं, जी बहुत घबराता है। कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत सालों से ये बंगला बंद था ना, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा अजीब सा लग रहा है, पर ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये घर बहुत ही अच्छा है, तुम टेंशन मत लो। ओके, लो इन्हें संभालो, टेक केयर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से कुछ आवाज आ रही थी। आवाज? हाँ, आ रही है ना। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इतनी सीरियस हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है? शांति रखो बाबा, वहाँ कोई भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी की आवाज सुनाई दी थी, सच में। सच बात है, ये सुनसानी जगह है ना, तो यहाँ आवाज सुनाई देगी। तुम टेंशन मत लो और मुझे भी मत दो, ठीक है? ओके, जाओ। क्या हुआ बेटा, क्या कर रही हो? होमवर्क कर रही हूँ डैडी। अच्छा, क्लास में फर्स्ट आने के लिए होमवर्क कर रही हो? हाँ, गुड गुड। दरवाजा खुलेगा या नहीं? क्या
क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो तुम? सोच नहीं रही हूँ डैडी, मैं देख रही हूँ कि वो दरवाजा कब अपने आप खुलेगा और कब अपने आप बंद होगा। वो दरवाजा तो बंद है, वो दरवाजा खुलता नहीं है। सच बोल रही हूँ, दरवाजा खुला, मैं नीचे गई, मुझे ढूंढने मम्मी आई। आप मम्मी से क्यों नहीं पूछते? गौरी ये सच बोल रही है क्या? झूठ बोल रही है, ना मैंने दरवाजा खोला ना मैं नीचे गई। मेरे साथ मजाक करती है बदमाश। क्यों अभी दरवाजा नहीं खुल रहा है? मम्मी ने झूठ क्यों बोला? गौरी लेट हो रहा है, जल्दी करो, मुझे नहीं तुम्हारी बेटी को। मालिक कारपेंटर आया। हाँ हाँ बुलाओ, बिठाओ, खाना खिलाओ। अबे दरवाजा दिखाना उसको, मुझे क्या बोल रहा है? सारी मालिक, ये आदमी को अकल है कि नहीं है? कुछ बोले तो चिल्लाता, ना बोले तो भी चिल्लाता है। ये कारपेंटर, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, थोड़ा दिमाग लगा, कुछ आइडिया चला। अरे पहले देखूंगा तब तो खुल पाऊंगा। जो देखना है देख, जो करना है कर, बस दरवाजा खुलना चाहिए। अरे रंगा, रंगा। ये आदमी तो मेरा दिमाग खा गया। चल भाई तू दरवाजा खोल, मैं अभी आता हूँ। कैसे खोलूं? जरा सब्र करो, मैं अभी आता हूँ। बस अभी आया मेरी जान। ये ड्रिल तो ठीक है, देखते दरवाजा कैसे नहीं खुलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। ये लो, खुले हुए दरवाजे को खोलने के लिए मुझे बुलाया और मुझे बोलता है काम नहीं मालूम। बताता हूँ उसको, लंबा बिल बनाऊंगा। पहले इसको निकालता हूँ, आज तो अच्छी कमाई होने वाली है। क्या भाई खोल दिया क्या? हाँ कब का खोल दिया, तुम तो एक्सपर्ट निकले। अच्छा पैसे कितने देने? बहुत पैसे देने पड़ेंगे भाई, चलो आ जाओ। चलो चलो। क्या कर रही हो बेटा? पेंसिल गेम खेल रही हूँ डैडी, ये देखिए मैं यहाँ पेंसिल रखती हूँ। देखा डैडी कैसे पेंसिल गई, मजा आया ना? हाँ बेटा, मैं एक दूसरा गेम दिखाऊं? क्या गेम? बॉल गेम, अभी देखना। बहुत मजा आया डैडी। हाँ बेटा, तुमको पता है ये पेंसिल और बॉल वहाँ क्यों गए? ये अपने आप इसलिए वहाँ गए क्योंकि वहाँ ढलान है, यही तो साइंस है। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? नहीं पता, चलो आओ ढूंढते। पिंकी बेटा तैयार हो ना? हाँ मैं तो कब का तैयार हो गई, आप लेट हो। मैं लेट हो गया? कैसे लेट हो गया समझ में नहीं आ रहा। मालिक। हाँ बोलो। दरवाजा खुल गया। तो पैसे दे दो उसको। ठीक है मालिक। डैडी आप भूत की फिल्म बना रहे हो ना? हाँ बेटा। फुगाड़ी मची संडली का जाता सा। कांता भाई, हाँ ये काम हो जाए तो ये कपड़े धो देना। जी मालकिन। और ये क्या, तुम्हारे पति ने नई पायल खरीद के दी है तो क्या रात भर उसे पहनकर घूमती रहोगी? ये क्या कह रही हैं आप, जब से मेरी शादी हुई है उसने मेरे को आज तक कुछ दिया ही नहीं। सच्ची बोलूं तो मेरी माँ ने जो पायल दी थी वो भी जाके उसने बेच दी, देखो पायल है ही नहीं। मतलब रात को तुम्हारी पायल की आवाज़ नहीं आ रही थी? हाँ मेरी पायल, मेरे को लगा आपकी पायल की आवाज़ थी। क्या मालूम इस घर में क्या क्या हो रहा है। फिर रात को किसकी पायल की आवाज़ थी?
अभी तो यहीं थी, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब बात है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है, क्या करूं? सफाई कर दी? हाँ कर दी। और रंगा से स्विमिंग पूल का पानी बदलने के लिए कहा? कहा ना मालकिन। क्या बात है? रात को आप इतने जोर से क्यों चिल्लाई थी? क्या हुआ था मालकिन? नहीं कोई बात नहीं, बस डरावना सपना देखा था। तुम अपना काम करो चलो। अरे देवा ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने तो कभी डरावना सपना नहीं देखा था, ये तो बहुत पूजा पाठ करती है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी ना तुझे तो थप्पड़ मारूंगा सब समझ आएगा, फोन पर मार नहीं सकता, नहीं तो यहीं से मारता बेवकूफ। चला बोर मत कर, फोन रख। अब बाहर जा रहे हैं? हाँ गौरी, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से ही आऊंगा। तुम और पिंकी खाना खाकर सो जाना, ठीक है? बाय। क्या रे घनचक्कर, क्या कर रहा है? हाँ? और रात को मालकिन ने डरावना सपना देखा। हाँ। था ना, तो स्वामी जी ने मुझे ये बांधने को कहा, इसीलिए बांध रहा हूँ। ये बांधने से सपने नहीं आएंगे क्या? बोलता क्यों नहीं? ओए, चल फेंक इसको। आज के बाद ऐसा कुछ किया ना तो तुझे उल्टा टांग दूंगा, चल जा। इससे तो बात करना ही बेकार है। क्या हुआ गौरी, तुम्हें ये घर अच्छा नहीं लगा? खाली कर दे, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, खाली कर देते हैं, ठीक है? चलो अंदर जाओ। बाय। पिंकी, आप मुझे देख रही थी मम्मी। मम्मी आप देख रही थी। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, खा लो। अब आंखें बंद करिए, छिप जाओ। नहीं नहीं मम्मी,
आप देख रहे हैं? ठीक है ठीक है, नहीं देखूंगी, जाओ छिप जाओ। पिंकी बेटा कहाँ छिपी हो? कहाँ गई? पिंकी? 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 तो यहाँ छिपी हो? Yeah!
गौरी, गौरी, गौरी Gauri? 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 मेरी बात नहीं समझ पाओगे, मैं तुम्हारे मालिक से बात करता हूं। आप नहीं समझ रहे हैं स्वामी जी। तुम मेरी बात, मैं आपके पैर पड़ता हूं, आप जाइए। तुम मुझे अंदर जाइए स्वामी जी, जाइए। नहीं स्वामी जी, वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे स्वामी जी। क्या हो रहा है वहां पर? टाइम नहीं देखा, इस वक्त कोई भीख मांगने आता है क्या? ए तू देख क्या रहा है, भगा इसे। शांत हो जाओ पुत्र, मैं तुम्हें विनाश से बचाने आया हूँ। वो विनाश जो इस बंगले में उपस्थित है, एक दुष्ट आत्मा का वास है यहाँ, प्राण घातक। अच्छा, वो तुम्हारे प्राण लेने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से। ओहो, तो मैं तुम्हारी बात मान लूं और अपने परिवार को लेकर यहाँ से भाग जाऊं? ए तू मेरा मुखिया देख रहा है, भगाने? मेरी बात मान लो। लोग हंसेंगे मुझ पर। अरे क्या बहस करनी, निकाल इसे यहाँ से। अरे सुनो, अरे जाओ यहाँ से, अपने मालिक को समझाओ, नहीं हो जाएगा। गौरी अब कैसा लग रहा है?
गौरी, कितनी देर से नहा रही हो? इतना टाइम लगता है क्या? कांता भाई जी, मालिक मालकिन किधर है? नहीं मालूम, सुबह से उनको देखा ही नहीं। जाओ देखो कहाँ है। देखती हूँ। कहाँ गई होगी? कहाँ गई मालकिन? पूरा घर ढूंढ चुकी हूँ, बस ये तय खाना बाकी है। मालकिन, ये कैसी जगह है? बहुत डरावनी है बाबा। मालकिन, अरे देवा, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। मालकिन, अरे बहुत ही बेकार जगह है। मालकिन आप यहाँ है? मालिक आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। मालकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मालकिन, 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 क्या हुआ? वो मालकिन कहाँ है? मालकिन वहाँ। गौरी, 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 यहाँ पर क्या कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, चलो चलो। तुम इतनी जोर से क्यों चलाई थी? तो मियाँ बीवी क्या नाटक कर रहे हो यहाँ पे? जरा ढंग से रहो। गौरी रुको। अरे मुंह क्या देख रही हो? पानी दो। देती हूँ। हाथ क्यों कांप रहे हैं? ठंड लग रही है तुम्हें? नहीं नहीं। गौरी दवाई ले लो। क्या हुआ? मैं तुझे भूत दिखती हूँ? नहीं मालकिन, नहीं, मैं जाती हूँ। अरे क्या हुआ तुझे? इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? ऐसा लगता है मैं डर से मर जाऊंगी। लेकिन ये तो बताओ हुआ क्या है? बताती हूँ ना, मालकिन नीचे तहखाने में थी, जब मैंने उनको बुलाया तो वो बहुत डरावनी लग रही थी, बिल्कुल किसी भूत की तरह लग रही थी। हट, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मालकिन के अंदर कोई भूत घुस गया है क्या? ये नहीं हो सकता, वो कितनी पूजा करती है। जाओ जल्दी, मालकिन बुला रही है। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाएगी। तेरे को जाने के तो तू जा। चले, क्या इतना डरती है? तेरे को बोला ना मालकिन के अंदर भूत नहीं घुस सकता। तेरी तो, हट, मुझे जाने दे, तू अंदर जा। चल Ah!
कोई दिखता क्यों नहीं? कांताबाई, कांताबाई, कांताबाई। अरे ओ भिखारी, तुझे और कोई काम नहीं है? यहाँ क्या घूमता रहता है? चल भाग। ये घर के नौकर कहाँ चले गए? उन्हीं को ढूंढने आई थी। जुम तारा, ए ए ए ए, तू आ आ आ, जुम। क्या कह रही है आप? क्यों डरा रही हैं इसे? देखिए तो इसकी हालत क्या हो गई। मैंने कहाँ डराया इसे, ये तो तस्वीरें देखकर डर गई है। तुम भी ना पिंकी, तस्वीर देखकर कोई डरता है क्या? चलो। नहीं चाचू, मम्मी मुझे अपनी आँखों से डरा रही थी। पता है चाचू, मम्मी के कमरे में एक तहखाने का दरवाजा है ना, वो अपने आप खुल जाता है। मैं और मम्मी दोनों नीचे गए थे, लेकिन डैडी के पूछने पर मम्मी ने डैडी से झूठ बोला। रोज दरवाजा खुलता है और रोज मम्मी झूठ बोलती है। ओके, तुम जाकर खेलो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? आप चलिए मेरे साथ। पर कहाँ? अरे चलिए तो, तहखाने में मैंने लाश देखी है।
आइए भैया देखिए। शिवा किसकी लाश? रंगा और कांता बाई की लाश। ये देखिए भैया यहाँ देखिए यहाँ पर ही जो थी बिल्कुल इधर है देखा देखा ना चुप रह बेवकूफ। भैया रंगा और कांता बाई की लाश यहीं पर पड़ी थी खून में लथपथ। तो कहाँ गई? गॉड डैमन ये क्या हो रहा है भैया लाश यहीं पर पड़ी थी मैंने खुद ने देखा है अब मानते क्यों नहीं? लेकिन अब तो नहीं है ना। लेकिन मैंने देखी थी भैया। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा बेवकूफ मजाक करता है चल भैया यहीं पर। चल बोला ना बकवास बनकर। भैया यहीं पर लाश पड़ी थी भैया। ए छोटे अच्छा किया तू आ गया पर तेरी ये जो हरकतें हैं ना इनसे पिंकी डर जाएगी समझाना फिर खुद ही समझाना उसे चल। बस सावधान रहिए पिंकी का ख्याल रखिए और भाभी का भी। ये बताने आया था क्या टाइम हुआ अभी? 12 बज गए ना जा सो जा। मुझे नींद नहीं आएगी। बोला ना जाकर सो जा, जा। इस वक्त कौन है यार सोने भी नहीं देते। हेलो व्हाट एक्सीडेंट है कुछ पता है? क्या पता सर? हमें सुबह किसी ने फोन करके बताया कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। ये कैसे हुआ होगा सर?
बताइए, आप या आपके भाई की किसी से दुश्मनी है? नहीं सर, अगर होती तो मुझे बताता वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नशे में गाड़ी चला रहे थे? वो नशे में नहीं थे, नहीं नहीं, ड्रिंक नहीं की थी। तो फिर उनकी मौत किस वजह से हुई है डॉक्टर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने के वक्त वो टेंशन में होने की वजह से उनका पल्स रेट भी बहुत बढ़ गया था और वो बहुत ज्यादा शॉक में थे। उनकी मौत रात को 10 बजे हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो यही पता चला है। रात को 12 बजे तक तो वो मेरे साथ था, रिपोर्ट में शायद कुछ गलती हुई। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। जब मैं उनकी लाश की जांच कर रहा था तो मैंने देखा कि ये केस नॉर्मल नहीं है, उनकी मौत अजीब तरीके से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस स्टेशन से ले लीजिए। ओके सर। अरे वाला, उसने मुझसे बात की थी रात को 12 बजे। आप तो साइंस में विश्वास करते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ सर। मैं आखिरी बार कहता हूँ, आपकी इसी जिद की वजह से आपकी पत्नी और बच्ची की जान वहाँ खतरे में है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कौन हो तुम लोग? हम टेलीफोन डिपार्टमेंट से आए हैं सर। आपका टेलीफोन खराब है ना, ऐसा हमारे सीनियर मैनेजर ने बताया हमें। ए, क्या बकवास कर रहे हो, थोड़ी देर पहले तो मुझे लैंडलाइन से फोन आया। Ha 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 ha!
क्या कर रही हो? देखिए ना, वो बाहर ही नहीं आ रही है। कौन? पिंकी। कहाँ से? यहाँ। हाँ, अभी अभी पिंकी यहीं थी। कब से मिला रही हूँ? अब चलिए ना, सोने नहीं चलना है क्या? ठीक है। पेंसिल गेम में बहुत मजा आ रहा है, देखिए डैडी। साइंस से, भगवान नहीं है, शैतान नहीं है, मन का डर ही शैतान है, ये सब भ्रम है। तो फिर मैं कौन हूं बोलो? ये शरीर मेरा है, भगवान नहीं है, शैतान नहीं है, शैतान नहीं है। मैं कब से इसी वक्त का इंतजार कर रही कि तुम कब आओ और मैं तुम्हें कब बांधूं। तुम्हारी मौत मेरे हाथों में लिखी है। यहां देखो, मैं ही तुम्हें यहां लाई हूं मारने के लिए। मेरी आंखों से देखो, मैं इसी शरीर में रहूंगी, मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी। मरोगे, डर से मरोगे। तांत्रिक की मदद से जमीन में गाड़ दिया था मुझे। एक एक क्षण मैं इंतजार कर रही थी
कि कब मुझे आकर को यहाँ से बाहर निकालेगा। सर्वनाश कर दूंगी, देखती हूँ कौन सी शक्ति तुम्हें बचाती है। शैतान कैसा होता है देखो। मार डालूंगी, डरा डरा के मार डालूंगी। डर क्या होता है देखो। मुझे बंदी बनाने वाले उस तांत्रिक के पूरे परिवार का नाश करके रख दूंगी। नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। नमस्ते स्वामी जी। अगर उस दिन तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम्हारा सत्य को ना मानना आज तुम्हारी पत्नी के लिए भारी पड़ रहा है। संभवतः तुम ये नहीं जानते कि तुम यहां आए नहीं, तुम्हें यहां भेजा गया है। मैं तुम्हें सत्य से अवगत कराता हूं। लगभग 20 वर्ष पहले की बात है, इसी गांव में एक महान तांत्रिक रहते थे जिन्होंने एक दुष्ट आत्मा से लड़ाई करके उसे तंत्र विद्या से हरा कर एक कलश में बंद कर दिया और एक सुनसान स्थान पर उस कलश को पृथ्वी में गाड़ दिया। ये आत्मा वही है। मुझे तुमने दफना दिया, लेकिन तुम इसी जगह में पागलों की तरह घूमोगे फिरोगे। इसी जगह से एक लड़की मुझे बाहर निकालेगी और उस लड़की को मैं ही यहाँ तक लाऊंगा। कुछ वर्षों बाद वहाँ राम तिवारी नाम का एक व्यापारी आया। उसने वही जगह खरीद कर एक बंगला बनाया जहाँ वो कलश गड़ा हुआ था। गृह प्रवेश के चौथे दिन ही उसकी पत्नी और नौकर की मृत्यु बड़े ही रहस्यमय तरीके से हो गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही वही महान तांत्रिक उस बंगले पर पहुंचे। तिवारी, तुमने ये बंगला खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर दी। शांति से रहने के लिए तुमने ये बंगला शहर से दूर बनवाया, लेकिन अब यही पत्थर का बंगला तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मौत का सामान बन चुका है। तिवारी, क्या कहा? मैंने अपने और अपने परिवार की मौत होने के लिए ये पत्थर का बंगला बनवाया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी। जय काली। से सुनना, मेरे हाथ के नीचे 2 फुट की गहराई पर एक भयंकर दुष्ट आत्मा को जमीन में गाड़ा गया है। उसी की वजह से ये मौत हुई है। तुम बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। तिवारी, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है स्वामी जी। उसके बाद कई वर्षों तक ये बंगला बंद रहा, फिर तुमने इस बंगले को खरीदा। स्वामी, वही आत्मा तुमको परिवार समेत यहाँ लाई है। तुम्हें याद होगा जिस समय तुम गृह प्रवेश के लिए यहाँ आ रहे थे, रास्ते में एक कौवा तुम्हारी गाड़ी से टकरा कर मर गया था। ठीक उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे पास आया था जो तुम्हें वापस जाने का इशारा कर रहा था, लेकिन तुमने उसे पागल समझकर वहां से भगा दिया। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, वही महान तांत्रिक था। सत्य तो ये है कि वो तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हारे इस घर में दुष्ट आत्मा का वास है। उसी दुष्ट आत्मा ने तुम्हारे घर में काम करने वाले नौकर और तुम्हारे भाई को मारा।
उसी आत्मा ने तुम्हारी बेटी को आवाज देकर उसे मारने के लिए अपने पास बुलाया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी, क्योंकि तुमने उसे देवी माँ का लॉकेट पहनाया था। उस भयंकर आत्मा ने तुम्हारी पत्नी को कई बार अपने जादू से बहकाकर उसके शरीर में घुसना चाहा, लेकिन तुम्हारी पत्नी को यह आभास हो चुका था कि इस घर में एक भयंकर दुष्ट आत्मा का वास है। आखिरकार उसने कलश को खोल दिया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस महान तांत्रिक को ये पता था और इसीलिए वो तुम्हारे बंगले पर नजर रखता था। उस दुष्ट आत्मा ने जिन लोगों को मारा था उनकी आत्माएं तुम्हारी पत्नी को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। मुझे अपनी पत्नी को बचाने का रास्ता बताइए ना स्वामी जी, प्लीज। साधारण मनुष्य उस शक्ति से नहीं लड़ सकता, केवल असाधारण शक्ति ही ये काम कर सकती है, और ये असाधारण काम मेरे शिष्य अपने तप के शक्ति से होम हवन करके पवित्र आत्माओं के साथ मिलकर तुम्हारी पत्नी के शरीर से उस दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। जाओ पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। Thank you.
मैडम आप। ओम रुद्र कालिकाय नमः। ओम कालिकाय नमः। भसना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें नहीं उठना, हमें और सोना है। सुनिए ना, अब उठ जाइए ना। सुनिए जी। नहीं उठना है क्या? आज गुरुवार है। होने दो। होने दो बोल रहे हैं, बाबा के मंदिर जाना है। अभी मैं तुम दोनों को मम्मी सुना, तुम जैसे डायलॉग बोलती हो ना, तुम्हारी बेटी वैसी नकल कर रही है। सिर्फ भगवान को ही क्यों, कभी कभी अपने पति को भी खुश किया करो ना।